जानी मानी बंगाली कवयित्री, सामाजिक कार्यकर्ता और नारीवादी विचारक कामिनी रॉय बंगाल की अत्यधिक लोकप्रिय महिला रही। कामिनी रॉय ने अपनी कविताओं के जरिए महिलाओं में जागरूकता पैदा करने का काम किया था। महिलाओं के अधिकारों के लिए वो बंग महिला समिति से जुड़ी और महिलाओं के मुद्दों के लिए पूरी तरह से समर्पित हो गईं। उनका जन्म 12 अक्टूबर 1864 को बंगाल के बसंदा गांव में हुआ था, जो अब बांग्लादेश के बारिसाल जिले में पड़ता है। कामिनी एक संभ्रांत बंगाली वैद्य परिवार से थी। उनके पिता चंडी चरण सेन न्यायाधीश, लेखक और ब्रह्म समाज के एक प्रमुख सदस्य थे। कामिनी ने अपने पिता के पुस्तकों के संग्रह से बहुत कुछ सीखा। वे पुस्तकालय का बड़े पैमाने पर उपयोग करती थी। उनका लेखन सरल और सुरुचिपूर्ण था। तत्कालीन बंगाल में महिलाओं को वोट का अधिकार दिलाने के लिए उन्होंने लंबा संघर्ष किया। और आखिरकार 1926 के आम चुनाव में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया गया। वो उस जमाने में एक नारीवादी थी, जब एक महिला के लिए शिक्षित होना बहुत मुश्किल हुआ करता था। उन्होंने बैथून स्कूल से डिग्री हासिल की। कोलकाता में एक बालिका विद्यालय में दिए गए संबोधन में उन्होंने घोषणा की कि महिलाओं की शिक्षा का उद्देश्य उनकी सर्वांगीण विकास में योगदान देना और उनकी क्षमता को पूरा करना है। 1922-23 में वो महिला श्रम जांच आयोग की सदस्य भी रहीं। संस्कृत ऑनर्स में स्नातक कामिनी रॉय ने 1889 में छंदों के पहले संग्रह अलोछाया को प्रकाशित किया था। उनके उल्लेखनीय साहित्यिक योगदानों में महाश्वेता पुंडरीक, पौराणिकी, दीपोद्धूप, जीवन पाथेय, निर्माल्या, अशोक संगीत आदि शामिल हैं। उन्होंने बच्चों के लिए गुंजन और निबंधों की एक किताब बालिका शिखर आदर्श भी लिखी। कामिनी रॉय अन्य लेखकों और कवियों को प्रोत्साहित भी किया करती थी। 1923 में उन्होंने बारिसाल का दौरा किया और एक युवा लड़की सूफिया कमाल को लेखन जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया। वो 1930 में बांग्ला साहित्य सम्मेलन की अध्यक्ष रहीं और 1932-33 में बंगीय साहित्य परिषद की उपाध्यक्ष। कोलकाता विश्वविद्यालय द्वारा उन्हें जगतारिणी स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया था। 27 सितंबर 1933 को हजारीबाग में उन्होंने अंतिम सांस ली। आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है कि इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कमेंट्स भी दें। धन्यवाद। देखते रहिए वाइटिंग एंटरटेनमेंट।